अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड, सरताज जावेद के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जाती हूँ देखो समोसा, ने कैसे बनाना की क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आना की पूरी वीडियो स्किप करने सर का वॉच करो, आप लोगों को मालूम होता लो आप लोगों को, उस पर भी मैं बनाऊँ बोल को शेयर कर लेती हूँ। ये बनाने के लिए हैम पे मैं आटा आलू लूँ देखो, आलू का पिलपुरा काट दे को रखूँ, अभी अच्छे से पीसेस कर लें देखो, पीसेस कर ले को अच्छा दो तीन पानी में धो लो को, अरे कुकर में रखूँ देखो पीसेस पूरे, एक तीन विजिल आए तक रखती हूँ देखो, अच्छा बॉइल्ड होती हैं तीन विजिलों को, अब ये तीन विजिल आए तक हम पे पूरे के वास्ते आटा भिगा लेते हूँ देखो, पूरे का आटा है ये, एक कप लूँ देखो पूरे का आटा, इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर ले को, अच्छा घट्टू बना लेना देखो, अरे ऐसा अच्छा हूँ, अच्छा कर लेना आटा, एक हाफ एन आवर के वास्ते साइड में रख लेना देखो, अच्छा भिगया तो पूरे अच्छे क्रिस्पी भी रहती अच्छे बनती, एक हाफ एन आवर रेस्ट के लिए रख देती हूँ उसे। यहाँ तीन विजिला हो गई देखो, फ्लेम गई के बाद कुकर ओपन करको आप लोगों को बताती हूँ, आलू अच्छे से बॉइल्ड हो गए देखो, दे अच्छे ही देखो, अब हम पे बघार को पैन रखूँ देखो, एक दो चम्मच ऑयल डालूँ, ऑयल हीट होने के बाद इसमें प्याज ऐड करती हूँ, एक प्याज की डली अच्छे से कट करके रख ली थी वो ऐड करती हूँ देखो ऑयल में, अच्छे से रोस्ट कर लेना ये गोल्डन ब्राउन कलर रहना दूँ, हीट होने के बाद डालूँ देखो, अब अच्छा ज़रा कलर चेंज होने के बाद इसमें माल मसाले अदरक लहसुन का पेस्ट सोब ऐड करना, ज़रा कच्ची वास गए तक अच्छा भुनेगा देखो, तेल भी अच्छा ऊपर आने लगा, प्याज का कलर भी चेंज हुआ, अब एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँ देखो, ये पेस्ट की कच्ची वास गए तक अच्छा मिक्स कर लेना, मिक्स कर लूँ, इसमें नमक ऐड करती हूँ देखो, एक दो चम्मच नमक डालूँ, एक आधा चम्मच हल्दी भी ऐड कर लेना, ये धनिया लहसुन का पाउडर है देखो एक चम्मच, नमक भी धनिया पाउडर डालें देखो, लद्दाख ये मसाला डालती हूँ अब एक चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, अरे कलर कितना अच्छा आ गया देखो, सोप रोस्ट हो गया, तेल भी ऊपर का आ गया, करेक्ट पक गया देखो, अब इसमें आलू ऐड करती हूँ, आलू अच्छा मिक्स कर लेना इसमें, अच्छा मिक्स कर लें देखो, स्मैश भी कर लेना थोड़ा, कई कहते समोसे के लिए ना क्या ये फ्राई, अच्छा भन को रेडी हो गया, ठंडा होने के लिए रखूँ देखो, ये ठंडा ही है तक हमें हाँ पूरियाँ बना लेंगे, अरे पूरियाँ बना लेते हूँ देखो, अरे ऐसे एक पूरी लेको उसमें से दो पार्ट्स कर लेना, कर ले को आलू का फ्राई, इसमें स्टफिंग करना देखो, ठंडा हो गया फ्राई, अब उसमें स्टफिंग करना ऐसा सेंटर में डाल लेना, पूरी को दो पार्ट्स करको ऐसे सेंटर में, एक एक ना एक तरह इसके से बनाती लो, ये मेरा तरीका है देखो समोसे बनाने का, ऐसा ऑफ कर ले को स्टफिंग करको, ऐसा फोल्ड कर ले को आधे को पूरा प्रेस कर देना ऐसा, ये मेरा तरीका है देखो समोसे बनाने का, रेडीमेड के मिलती हैं आजकल बनाते सुनवे के ना एक रकम से बनाती, मैं ऐसा बनाती हूँ देखो, ऐसा पूरा प्रेस कर लेना हाथ से चू, ऐसा अच्छा बन गया देखो समोसा, ऐसा फिर एक पूरी ले को फिर ऐसा ऑफ कर को फिर बीच में स्टफिंग कर रही हूँ ऐसा, फिर ऐसा फोल्ड कर लेना सेम ऐसा जब बताओ नहीं वैसा चू फोल्ड कर लेना, फिर ऑफ को फिर ऐसा प्रेस कर देना सब साइड को पूरा ऐसा, फिर कई का तो समोसा पुट को ऑयल पूरा वेस्ट होता, देख को अच्छा प्रेस कर लेना ऐसा भी ऐसा अच्छे से, अच्छा बन गया देखो समोसा, चौगप समोसे पूरा एहसास कर लेना, पूरी बना लेना ऑफ ऑफ कर देखो पूरी,
बीच में स्टफिंग कर लेको पूरे प्रेस कर लें देखो अद अच्छे से सो बना लेको रख लें देखो पूरे समोसे बनकर रेडी हो गए। अब हाँ ऑयल हीट होने रखूँ, ऑयल हीट होगा देखो उसमें समोसे छोड़ती हूँ, देख को डाल लो ऑयल उछलने के चांसेस रहती, फ्लेम फुल्लीच रख लेना देखो, फुल फ्लेम में है तो चाहे तो कच्चे बनती, ज़रा देख को डाल लो ऑयल उछलने सर का, ऐसे पूरे ऑयल में डाल ले को, एक तरफ पाने बाद दूसरी तरफ टर्न कर लेना, ऐसा पूरा इक्वल से पक जाती हैं, अरे झन्नी ले को काट देना, फिर सेकंड टाइम डाल को बताती हूँ देखो पूरे वैसा चबू ऑयल में डालते हैं ना, एक तरफ पके बाद दूसरी तरफ टर्न करना, पूरे इक्वल से पक जाती, पक जाने के बाद अरे पूरे ऐसा झन्नी से काट लेना, ऐसा पूरे समोसे तल लेना देखो, अच्छे से बन गई, अंदर फिर ऐसा झन्नी में काट लिया तो ऑयल पूरा निकल जाता झन्नी में सी, अच्छे है तीन समोसे बस सही है कलर में, अंदर काट देती हूँ, ऐसा बन के हमारे समोसे पूरे रेडी हो गए देखो, एक सर्विंग बोल में काट लेको आप लोगों को बताती हूँ, समोसे रेडी हो गए हमारे, फेस भी अच्छे हैं टेस्ट भी अच्छे हैं देखो, देख सर्विंग प्लेट में काट रही हूँ, टेस्ट भी अच्छा है कलर भी अच्छा है, अच्छा जमी ये रेसिपी, आप सभी लोगों को भी मालूम होती लो उस पर भी मैं बनाऊँ बोल को शेयर कर लेती हूँ, ये रेसिपी आप सभी लोगों को पसंद आती बोल को उम्मीद करती हूँ, अगर आप सभी लोगों को पसंद आई तो आप सभी लोग भी लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, हो सके तो आप लोग भी ट्राई करो, दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़ बाय।